सोच रहे हैं कि नाम बदले करना है वही रखना है, बोलो जैसे गुरुदेव की इच्छा। लाल जी साहब को जो भी नाम रखना रखो, हम तो संसार नाम से बुलाएंगे। बताओ अपने मारवाड़ी में देव बड़ी है कि संसार नाम से बुलावे। तो बैग जगह संदेशा नहीं चलेगा, अभी जो भी नाम बोलेंगे सब उनके स्वजनों को उसकी एक पक्की माला रोज 3 दिन के लिए गिनने की है। जो अभी नाम गुरुदेव बोल रहे हैं वो उनके परिवार वाले उनके नाम की एक पक्की माला गिनने की है। एक नगर में पर्वत पर एक बड़ा किला बन रहा है। मजदूरों को काम सौंपा गया था, नीचे से पत्थर उठाकर रास्ते पर जाते जाते ऊपर पर्वत का एक पत्थर, उसमें एक मजदूर इतना समर्थ था, बड़ी बड़ी शिला अपने सर पर लेकर जाता था और ऊपर तक पहुंचा। राजा को पता चला कि ये मजदूर बाकी सब मजदूरों से 4-5-10 गुना पत्थर वजनदार पत्थर था। तो राजा ने एक नियम पूरे नगर में घोषित करा दिया, जब ये मजदूर पत्थर लेकर जा रहा है तो उसके रास्ते में किसी को आने का नहीं, मजदूर किसी को जगह नहीं देगा, मजदूर को जगह सबको देनी पड़ेगी। जोग संजोग से विहार करते करते साधु भगवान उसी नगर पर, साधु भगवंतों को पता नहीं था कि नियम का, और वे तो इंडिया समिति पालते 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 सामने से वो मजदूर आया, बहुत बड़ी शिला उठाई थी और साधु भगवान सहज उसे जा रहे, और ये गजब घटना हो गई। साधु महाराज सब तो चलते चलते निकल गए, मजदूर शहीद पर हट गया, मजदूर ने साधु महाराज सबको जगाया, यानी कि राजा के आज्ञा का उल्लंघन। अब साधु भगवान को क्या बोलना, राजा ने मजदूर को ही बुलाया और मजदूर को बुलाकर राजा ने मजदूर को कहा, तेरे लिए मैंने इस सुविधा की है, तू इतनी इतनी बड़ी शिला उठाकर ऊपर तक ले जाता है, तेरी व्यवस्था के लिए सुविधा के लिए मैंने ये नियम बनाया था कि तू किसी को जगह नहीं देगा, तुझे सब जगह देंगे। तो तूने वो 5 साधु जो आ रहे थे उनको जगह क्यों लिया, क्या उन्होंने तेरे से भी जरा कोई भाव कराया, हमने तो सुना है कि उनके सर पर कोई भार नहीं, तो फिर आपने उनको जगह क्यों लिया। मजदूर ने कहा, सही में कहूं तो वो साधु भगवान मेरे से भी ज्यादा भार उठा रहे थे, और वो भी एक शिला का नहीं 5-5 महाशिला का भार, ऐसे महाभार उठा रहे थे जो भार उठाने के लिए मैं काबिल नहीं रहा, और इसलिए मजदूर बन। तो राजा ने पूछा, उनसे भार की बात कर रहा है। मजदूर ने कहा, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अष्टेय महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह महाव्रत, ये 5 महाव्रत इतनी बड़ी भारी शिला है जो उठाने के लिए मैं काबिल नहीं रहा। तो साधु वह छोड़कर मजदूर बन, और वो 5 महाव्रत का भार वो साधु भगत उठा रहे थे। राजन, आपका नियम यह था जो ज्यादा भार उठाता है उसके लिए कम भार वाले को रास्ता देना चाहिए, मेरा भार कम था, वो साधु भगवान का भार। ऐसे 5 महाव्रत जिनका भार बड़ी बड़ी शिला उठाने से भी ज्यादा, और दो साधु जी भगवान, ऐसे 5 महाव्रत
आज के रंग नहीं आए, कोई विकल्प की बात नहीं है, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज की बात है, साझे मंडे छुट की बात नहीं है। गांव श्रावकों के व्रत नियम पचकार में बहुत सारे विकल्प होते हैं। एक भी व्रत लेना है तो इसके अंदर बहुत सारी छूट छाती होती है, आगार होती है, बहुत सारे विकल्प होते हैं, लेकिन साधु के महाव्रतों में कोई छूट छात नहीं होती, कोई विकल्प नहीं होता है, 100% पालने का है। तू बस्ती में रहे या तू विहार में रहे, तू एकांत में रहे या तू जाहिर में रहे, एक होवा परिसाद होवा, तू अकेला रहे या समुदाय में है, तू नींद में है या तू जागृति में, ये सारे महाव्रतों का पालन साधु को करना चाहिए। और ये पालन के कारण ही चक्रवर्ती भी साधु को नमस्कार करता है। अभी जीवन कितनी हुई, किसी ने 2100 रुपए लिखाया, किसी ने क्या उसने लिखा, जिंदगी के बाद आपके मन में होता नहीं कि साधु महाराज कोई जीवन की टीम लिखाते नहीं है, इनके पास क्या नहीं है तो नहीं लिखाते, हम 1100 रुपया लिखाते, 1,00,000 रुपया लिखाते, कोई कोई भाग्यशाली करोड़ करोड़ रुपया लिखाते, करोड़ों करोड़ रुपया जीवड़िया में वापरते है। ललित भाई करके एक भिवंडी में वकील था, जीवड़िया के केस लड़ते लड़ते उसके गोली लगी, उसका खून हो गया, किताबें नाम दिया, जीवड़िया के पालन करते करते कसाई लोगों ने उसको मार डाला, ऐसे खत्म हो गया। मैं आपको पूछता हूँ, ये सब ने जीव दिया के लिए जो जान दिया, और साधु भगवान साधु भगवान जो जीव दिया का पालन करते तो मैं आगे कौन है तो पालन बोलो, बोलने से मन नहीं होते, कारण होता है। साधु साधवी भगवान की जीव दया एक्सट्रीम है, आप किसी के साथ उपमा नहीं दे सकते हो, क्योंकि ग्रहस्थों की जीवड़िया ज्यादा से ज्यादा पशु के हिसाब से, पंछी के हिसाब से, और अंदर गहरे में गया है तो चिंती मंगला के लिए, और गहराई में जाएगा तो शायद दो इंद्रिय जीवों के लिए बन गया जाएगा, तो कभी कभी वनस्पति का त्याग करेगा, लेकिन साधु साधी की बराबरी में आ सकता नहीं है। साधु साधी भूगोल की जीवड़िया विशाली है, तो ग्रस्त की उत्कृष्ट जीवड़िया सवान, ये सवान ने विशाली काम ये नहीं करना। हमारी जीवड़िया आपके से 16 गुनी ज्यादा है, नहीं, हमारी जीवड़िया आपसे अनंत गुना ज्यादा है, और इसीलिए श्रावक का उत्कृष्ट परिणाम और साधु का जघन्य परिणाम, पांचवा गुणस्थान की उत्कृष्ट अवस्था और छठे गुणस्थान की जघन्य अवस्था, अध्यक्ष स्थान बीच में ना बड़ा डिफरेंस बता दिया, यानी उत्कृष्ट श्रावक भी साधु की तुलना में नहीं आ सकता। तो ऐसी सूक्ष्मतम जीव रहा आंख के पलकार के साथ पालने का पहला महाव्रत है, सबसे महत्व का व्रत यही है, अहिंसा महाव्रत है, कदम कदम पर जीव दया को ध्यान में रखना है। दूसरा महाव्रत, तीसरा महाव्रत, चौथा पांचवा सब महाव्रत अहिंसा नाम के महाव्रत की रक्षा करने के लिए, अहिंसा महाव्रत की रक्षा के लिए दुनिया की दृष्टि से झूठ बोला वो भी सत्य हो जाता है। साधु भगवान रास्ते से गुजर रहे थे, एक हिरण उनकी नजर के सामने दौड़ता आया और एक जगह पर चला गया, पीछे पीछे शिकारी लोग आए और साधु भगवान को पूछते हैं कि वो हिरण कहाँ गया, देखा है साधु महाराज उनके पास से भागा, और पूछा गया कि हिरण कहाँ गया,
शिकार है कि वो यहाँ गया, शक्य है कि उसका शिकार हो गया। और परिचय जैसे कि हिंसा में निमित्त बनने का पाप साधु को नहीं चाहिए। तो साधु को सत्य बोलना क्या बोलना? साधु भगवान उस वक्त झूठ लगे नहीं, उसी तरह से थोड़ी माया करते, या तो बोलते जिसने देखा है वो बोल सकता नहीं है, जो बोल सकता है उसने देखा है। यानी आंख ने देखा है तो वो बोल सकती नहीं है, जीभ बोल सकती है, या तो वीर साधु नाटक करते। उसने पूछा अपने हिरण को जाते देखा? हाँ, मेरा नाम मुनीश अजीत से कर दिया। अरे मैं पूछ रहा हूँ अपने हिरण को जाते हुए देखा? हम बिहार करके यहाँ से वहां जा रहे। अरे मैं पूछता हूँ मेरा हिरण को देखा? हाँ, मेरा रिक्शा पर एक 5 बरस का हुआ, ये तो मेरा है, वो चला जाएगा। बात ये अहिंसा की रक्षा के लिए सत्य है, अहिंसा की हत्या हो जाए ऐसी साची बात को बोलने का नहीं। तो पहला महाव्रत इतना सूक्ष्मतम पद्धति का बताया है, मेरे कारण किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की पीड़ा होनी चाहिए नहीं, मेरे कारण किसी के मन में भी अरुचि अप्रीति होनी चाहिए, मेरे कारण किसी को भी बुरा लगना नहीं चाहिए, किसी को घाव लगना चाहिए नहीं। ये सबसे पहला अहिंसा महाव्रत, उसके पालन के लिए 5 समितियों की नियुक्ति भी है, चलना है तो देखते देखते चलो इंडिया समिति, बोलना है एक भी सावधान शब्द बोलना नहीं, एक भी झूठ बड़ा शब्द नहीं बोलना है, किसी को भार नहीं चाहिए, कुछ नहीं करनी है। ऐसा समिति का पालन करना है 42,900 से निर्दोष बुद्धि, ये जेल शासन की अद्भुत गति की कमाल है। कमाल की भूमिका बनाइए, साधु को अपने स्वयं भरा दे, उसकी रक्षा करने के लिए पेट भरना भी है, साथ में एक भी प्रकार की पाप की अनुमति भी नहीं, और इसीलिए 42 वर्ष से निर्दोष पूछनी बताई, किस तरह से हर जगह पर जाकर पूछ लेती। तो बात ये ऐसा समिति हो, कोई भी चीज लेनी है, कोई भी चीज रखनी है, खड़ा होना है, बैठना होना है, कोई भी करना है, बड़ी लेन प्रमार्जन, बड़ी लेन प्रमार्जन, बड़ी लेन प्रमार्जन, सतत चलता रहता है। पारिष्ठा परिका कचरे की तरफ फेंकना नहीं है, काजा लेने का है, कोई जीव को पीड़ा नहीं हुई वो देखना है, कोई जीव को पीड़ा न हो ऐसी जगह पर रखना है। तो इस तरह से महाव्रतों का पालन किया। तो पहले नंबर का महाव्रत अहिंसा महाव्रत, साधु जी भगवान को कहना है आपको मुख्य 3 चीज दी जाएगी, चरम होगा और दंडासन। तो पहला महाव्रत साधु जी भगवंतों को खास कहना है, पहले महाव्रत का पालन करना है, जयम चले जयम चिथे जय मासे जयम सहे जय भुजन तो भाषण तो पाप कमम न बनते ही। हर जगह पर दुनिया की भाषा में बोलो तो अलर्ट रहना है, भगवान की भाषा में गए तो हर एक जगह पर जीव का अवस्थान हो सकता है, और इसीलिए हर क्षण सावधान रहना है, कब कहां किस तरह से कोई बेचारा जीव अपनी रक्षा के लिए कहां से छिपकर आ जाए कुछ पता नहीं चलता है, और इसलिए सतत सावधान रहना है। चरम नहीं दिया गया है, मात्रा वगैरह का परिणाम सतत करने का है, चरमली किसी भी होगी सुपड़ी के साथ चरोली का उपयोग करके सुपड़ी में काजा पड़ने का, ऐसा डंडा तो हिला के फेंक दिया, इस तरह से नहीं, काजा लेने का देखने का सावधानी रखने का। तो चरोली दिया गया है होगा है, होगा और मुपत्ति दिया गया है सतत इतना है।
वेदना है वो क्या से आसन को पूछ कर ही बेचने का कोई जीव चल रहा है ऐसा लग रहा है शरीर पे ऐसी अनुभूति हो रही तो जेब जी रहा है तो सीधा ऐसा नहीं करने या तो मोहपति से ऐसा करो अगर ऐसा नहीं हो सकते तो उदास से करो आज में ही कुछ ही आ रहे तो कुछ ना क्या लेकिन पहले एक बार मोहपति से या होगा से वो जगह को परिणाम कर लेने का उसके बाद में ही होगा इसलिए दिया गया है दंडासन इसलिए दिया गया है रात के समय में भी जीव दया का पालन करना है लाइट चलाना नहीं है प्रकाश नहीं है और जीव दया रखनी है तो दंडासन का उपयोग करना चाहिए हमारे गुरुदेव गुरु महाराज कहते थे जितने पैर पर चलना है उससे सवाया पूजना चाहिए वैसे चल रहा हूँ मुझे इतनी जगह चाहिए मुझे ज्यादा पूजना चाहिए क्योंकि पैर इधर उधर भी हो सकता है कोई जीव नदी भी आ गया हो तो सवाया पूजना चाहिए हमको दंडासन मिला है होगा मिला है मोहपत्ती मिली है सरवली तो मिली है जीव दया का संपूर्ण पालन करने के लिए आपको बार बार इस सभी का उपयोग करना है और चक्षु का भी सतत उपयोग करते रहना है अहिंसा की पांच भावनाओं का सतत गौर करना दूसरे महाव्रत सत्य वो नहीं है कि जो दिखा वो बोल दिया सत्य वो है दूसरे का हित होता है मेरे बोलने से दूसरे का हित होता है मेरे बोलने से दूसरा का अहित दूर होता है वही मुझे बोलना है सत्य के डेफिनेशन क्या है सत्य हितम सत्यम सत यानी जीव जीव के लिए जो हितकारी होता है वो ही सत्य जो बोलने से किसी को घाव लगे जाए जो बोलने से किसी के मन में पीड़ा हो जाए जो बोलने से जीव हिंसा की प्रेरणा हो जाए ऐसा बोलना नहीं श्रावक ग्रस्त वर्ग तो हमारे पास आते रहते जा जाति की बात करते रहते हमको सावधान रहना पड़ता है कपिल ने मरीची को पिन लगा लगा कर झूठ बुलाया मरीची बोलने वाला नहीं था कपिल को उपदेश और मरीची ने कपिल को कहा जब भगवान के साधुओं के पास जा वहां धर्म है कपिल वहां गया लेकिन उनको लगा ये तो बहुत भारी है वापस मरीची के पास आया और मरीची को कहता है आपके पास धर्म नहीं है तो मरीची ने कहा नहीं वहां धर्म है वहां जा दूसरी बार कपिल वहां गया मजा नहीं आया उसको उसको लगा कि वहां तो बहुत भारी है धर्म करना है लेकिन भारी नहीं करना है अगर मरीजी के पास नहीं जाए तो काम हो जाएगा तो दूसरी बार मरीजी को पूछा क्या तुम्हारे पास धर्म नहीं है फिर भी मरीजी ने दूसरी बार भी यही कहा अब वहां जाइए तीसरी बार आया आपके पास धर्म नहीं है एक बार बोले नहीं क्या मेरे पास भी है मेरा काम वो कपिल ने अंगुली लड़ाई और मरीजी उनके मन में रोब आ गया और मरीजी ने बोल दिया कबीला कपिल वहां भी धर्म है कपिल यहाँ भी धर्म है ग्रस्तों का भरोसा नहीं वो मुंह में अंगुली धरा कर और सत्य बोलाने के लिए प्रेरणा करे कि वे हमको सावधान है वो ऐसे ऐसे लाट लेकर आएंगे और हमारे पास ऐसा सिक्का लगा देंगे और फिर उन लोगों को तो देर नहीं लगेगी बाहर जाकर बोलेंगे महाराज साहब ने भी कहा ये बराबर है वो जोखम है इसलिए हमको बहुत सावधान है खास करके हमारे स्वजन वगैरह हमारे परिचित वगैरह वर्ग आएंगे और हमारे पास जायजात की बातें करेंगे अपने को एक ही बात करनी है कि भाई मुझे स्वाध्याय करना